फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस किट अग्रवाल, और आज अपन एक छोटा वीडियो लेके आए हैं जिसमें खास तौर से डिस्कस करेंगे स्कूल लेक्चर वाले जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी के तहत बात करें खास तौर से, क्योंकि आरपीएससी के रेफरेंस में ये वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण जो है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें वन्य जीव संरक्षण कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या अधिनियम पारित हुए और कब पारित हुए, उन सभी चीज़ों की डिटेल्स अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखें, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान असम के बाद सेकंड स्थान पर है। मतलब पहले जो वन्य जीव संरक्षण है इंडिया के अंदर, सबसे पहला स्थान तो है असम का और सेकंड स्थान जो है वो है राजस्थान का। दूसरी चीज़ देखें अपन, जो 26 जनवरी 1950 का संविधान था, उस टाइम पर जो वन्य जीव जो सब्जेक्ट था या वन्य जीव विषय था उसको किस में रखा गया था, राज्य सूची का भाग था। मतलब राज्य सूची के अंदर इसको रखा गया था, और राज्य सूची का मतलब है कि इसकी वन्य जीव संरक्षण जो विषय है इसकी रेख देख जो करना है, इसका जो काम करना है, कैसे संरक्षण करना है, कैसे अधिनियम पारित करना है, क्या क्या वर्क करने हैं, उन सभी को राज्य सरकार जो है वो देखती थी। 23 अप्रैल 1951, तो यहाँ पर 1951 को राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। तो पहला जो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण का, तो वो कब लागू किया गया, राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 को लागू किया गया। इसी के तहत राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। तो यहाँ पर वन्य जीव बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया, तो वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया 1955 में। आगे अपन देखें प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, तो यहां पर अपन देखें कि प्रथम जो पर्यावरण सम्मेलन है वो कब किया गया, तो 5 जून 1972 को कहां पे किया गया, स्वीडन की राजधानी जो स्टॉक होम है वहाँ पर किया गया था, इसलिए 5 जून है वो पर्यावरण डे के रूप में मनाते भी हैं अपन। तो 5 जून 1972 को फर्स्ट टाइम स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम के अंदर पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड या वन्य जीव से रिलेटेड लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वन्य जीव संरक्षण हेतु एक कमेटी गठित की गई या एक सम्मेलन किया गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972। अब इसमें आगे देखिए 1972 के तहत 9 सितंबर 1972 को, 1972 के अधिनियम के तहत 9 सितंबर 1972 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर कंप्लीट भारत में यह नियम या अधिनियम जो है वो लागू किया गया। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वो कब किया गया, 9 सितंबर 1972 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसी के जस्ट बाद में 1 सितंबर 1973, एक साल बाद राजस्थान में लागू किया गया। तो कई बार पूछा जाता है राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1 सितंबर 1973 को। आगे अपन देखें 1 अप्रैल 1973 को डॉक्टर कैलाश सांखला, जिसको अपन टाइगर मैन ऑफ इंडियन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जोधपुर के थे ये, और इन्होंने फर्स्ट टाइम एक आइडिया डेवलप किया था कि कैसे अपन बाघ जो हैं उनको, टाइगर रिजर्व है या बाघ है उनको कैसे अपन संरक्षण दे सकते हैं, किस प्रकार से उनको कंजर्व कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम एक आइडिया लेके आए थे। तो डॉक्टर कैलाश सांखला, जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि डॉक्टर कैलाश सांखला जो है वो कहाँ के थे, जोधपुर के हैं, राजस्थान के हैं, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, के प्रयासों से भारत में बाघ संरक्षण हेतु बाघ परियोजना, टाइगर परियोजना प्रारंभ किया गया। तो इन्होंने इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया वो कब किया गया, 1 अप्रैल 1973 को, किसकी सहायता से, डॉक्टर कैलाश सांखला की सहायता से। और यही राजस्थान के अंदर, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया, 1974 के अंदर प्रारंभ किया गया। भारत की प्रथम बाघ परियोजना जो थी वो कौन सी थी, जिम कार्बेट थी, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। तो काफी पूछा जाती है भारत की प्रथम बाघ परियोजना जिम कार्बेट जो उत्तराखंड की है। आगे अपन देखें, जैसे मैंने बताया कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो पहले रखा गया था राज्य सूची के अंदर, लेकिन संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था के तहत वन्य जीव विषय को
राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि जो भी वन्य जीव संरक्षण के नियम या पारित या जो भी अधिनियम जो चीज़ें होगी उन सभी का संरक्षण करना इंडिया और राजस्थान या प्रत्येक स्टेट दोनों मिलकर करेगी, इसलिए इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया कि ये पर्टिकुलर किसी राज्य की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको संरक्षण करते हैं। भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण के कुछ उल्लेख हैं, जैसे कुछ प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली बात, भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कौन से हैं, अनुच्छेद 48 ए के भाग 4 में रखा गया है, और मूल कर्तव्य के अंदर रखा गया है इसको, तो मूल कर्तव्य कौन से हैं, 51 ए के भाग 4 ए के अंदर इसकी मूल कर्तव्य में रखा गया है इसको। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग है जो 1972 में पारित हुआ था, और भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, जिसके एग्जैक्ट डेट अपन देखें तो 19 नवंबर 1986 के अंदर। भारतीय जैव विविधता संरक्षण इंडियन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अधिनियम जो है वो 2002 के अंदर पारित हुआ। जबकि अपन बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर राजस्थान की अपन बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो ये 5 फरवरी 2003 को लागू की गई थी। बोर्ड जो पूछा जाए कि राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी बोर्ड, नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो है वो 5 सितंबर 2003 को लागू की गई थी, और स्टेट जैव विविधता बोर्ड को 14 सितंबर 2010 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर स्टेट की पूछी जाती है तो 14 सितंबर 2010 और नेशनल की पूछी जाती है तो 5 फरवरी 2003 को। वर्ष 2015 में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु जिला वन्य जीव पक्षी या शुभंकर घोषित किए गए थे। एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आप बैठते हो राजस्थान की, तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो जिला के जो वन्य जीव शुभंकर जिनको नाम से अपन जानते हैं, जो 2015 के अंदर लागू किया गया था कि प्रत्येक जिले का संरक्षण के लिए एक पक्षी या एक एनिमल को नाम अनाउंस किया गया था, और प्रत्येक जिले का कोई ना कोई एक पक्षी या फिर अपन कहें एनिमल निश्चित किया गया था कि उसको संरक्षण करना है, और उसके अंदर उसकी जो भी नाम से उसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रत्येक ज़िले का एक शुभंकर होगा। तो यहाँ पर जब से पहले देखें अपन गंगानगर, तो गंगानगर का पहला शुभंकर जो है वो कौन सा है, चिंकारा। तो काफ़ी बार पूछा जाता है गंगानगर का शुभंकर कौन सा है, चिंकारा है। सेकंड देखें अपन बीकानेर का, तो बीकानेर का कौन सा है, बैपे बटबड़, जिसे रेत का तेतर के नाम से भी जानते हैं, तो बीकानेर का याद रखना बैपे बटबड़। जैसलमेर का गोडावण जो अपन जानते हैं, बाड़मेर का मरू लोमड़ी, जालौर का भालू, जालौर में जो लो है उसे आपको याद रखना है, यहाँ पर जालौर है और यहाँ पर भालू। आगे अपन देखें सिरोही, तो यहाँ पर देखिए सिरोही का आ जाएगा जंगली मुर्गी। उदयपुर का देखें बिज्जू, तो उदयपुर में कौन सा है, बिज्जू। डूंगरपुर में अपन देखें जंगली धोख। बांसवाड़ा में देखें जलपीपी, क्योंकि बांसवाड़ा साइड में जो पानी है या बरसात है वहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जलपीपी, और डूंगरपुर में है वो जंगली धोख, धोख के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए जंगली धोख। आगे अपन देखें प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी याद रख सकते हैं, सीतामाता अभ्यारण जो है वहाँ पर उड़न गिलहरी या उड़न गिलहरी वो ज़्यादा पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ में अपन देखें चैपे चौसिंगा, या जिसको घड़ेल के नाम से जानते हैं, तो काफ़ी बार पूछा जाता है चौसिंगा सबसे ज़्यादा या कौन सा शुभंकर कहाँ पे है, तो चौसिंगा जो शुभंकर है वो किसका है, चित्तौड़ का है। भीलवाड़ा में शुभंकर कौन सा है, मोर है। झालावाड़ में अपन जानते हैं जो गागरौन का किला है या गागरौन का दुर्ग है, तो वहाँ पर गागरौनी तोता है। चौदह में अपन देखें बारह का कौन सा है, मगर है। कोटा का देखें उदबिलाव, तो यहाँ पर उदबिलाव है। और सवाईमाधोपुर का देखें तो सवाईमाधोपुर में रणथंबोर है, रणथंबोर का कौन सा है, बाघ परियोजना है, तो यहाँ पर इसका बाघ आ जाएगा। और करौली का आ जाएगा घड़ियाल, तो यहाँ पर करौली के अंदर किसको रखा गया है, घड़ियाल का संरक्षण क्षेत्र है, तो यह शुभंकर है। आगे अपन देखें
धौलपुर, धौलपुर में जो है वो पंछीड़ा, भरतपुर का सारस, भरतपुर के अंदर सेवर इंस्टीट्यूट भी है, रिसर्च सेंटर सेवर काफ़ी बार पूछा जाता है, अलवर, अलवर के अंदर देखें सांभर, तो यहाँ पर सांभर इसका है, जयपुर में देखें तो चीतल। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है कि सांभर के नाम से कभी जयपुर ना हो, तो यहाँ पर जयपुर में है चीतल, जबकि अलवर को दिया गया है सांभर। सीकर का नाम से है शाही, सैपे सीकर, सैपे शाहीन। झुंझुनू का है वो काला तीतर। और चूरू को अपन देखें तो चूरू का कृष्ण मर्ग है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, नागौर का राजहंस। देखो इसमें दो टर्म है, एक तो नागौर है और एक टोंक है, तो यहाँ पर नागौर में तो राजहंस है जबकि टोंक के अंदर केवल हंस है। जोधपुर का पक्षी जो है वो कुरंजा है, जोधपुर का कुरंजा। पाली का पैंथर, पाली पे पैपे याद रखना, पैपे पैंथर और पैपे पाली। राजसमंद की बात करें अपन तो राजसमंद में भेड़िया, क्योंकि वहाँ पर भेड़ियों के काफ़ी ज़्यादा जो जननी स्थल भी अपन कह सकते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, तो राजसमंद में भेड़िया। अजमेर की अपन बात करें तो यहाँ पर अजमेर का शुभंकर है वो खड़मोर है। टोंक की बात करें तो टोंक मैंने अभी भी बताया आपको कि जैसे ही आप नागौर में राजहंस की बात करते हो तो टोंक के अंदर हंस आएगा। दौसा की बात करें अपन तो खरगोश, और बूंदी की बात करें अपन तो सखबी या सुखबी, तो बूंदी में आ जाएगा सुखबी। इस प्रकार से इसमें जो शुभंकर है वो राजस्थान के 33 ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले का एक शुभंकर, एक पक्षी या एक एनिमल को रखा गया है जिनका वो कंजर्वेशन करते हैं और उनके नाम से उस ज़िले को जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो जो था अपना, ख़ास तौर से जो टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन, और जो था वो ज़िला का जो वन्य जीव शुभंकर है उनके ऊपर था। और इसी प्रकार के जो नोट्स हैं आपको डाउनलोड करने हैं तो PDF में आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम पे, और वहाँ से PDF इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।